पूरे परकोटे में जो 800 मीटर की परिधि में बन रहा है वहां पर इसी प्रकार से रामायण चित्रण दीवारों के बगल में किया जाएगा। राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के परकोटा में बन रहे सबसे पहले मंदिर के निर्माण कार्यों के विषय में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मम उर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूप दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापों से यानी कष्टों से परिपूर्ण इस संसार में प्रभु श्री राम ही एकमात्र आशा हैं, जो कि समस्त प्राणी मात्र के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जन जन के हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्यतम चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है, और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने दृष्टिगत प्रदेश राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों का है, और आप यहां देख सकते हैं कि राम मंदिर के उत्तरी पूर्वी भाग पर यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, और यह परकोटा परिसर में बनाया जा रहा है। राम मंदिर के अति दुर्लभ ड्रोन व्यू में आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के परकोटा के बिल्कुल कोने यानी उत्तरी पूर्वी परिक्षेत्र में यहां पर परकोटा के पहले मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है, और आप यहां देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रमिक परकोटा के मंदिर के शिखर को बनाने में तेजी से कार्यरत हैं। और इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो लगभग 85 से 90% तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका शिखर पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसकी समय सीमा की अवधि लगभग 1 महीने है, और लगभग 3 महीने की अवधि में इस प्रकार के शिखर पूरे परिसर में बनाए जाएंगे, और जिसमें कुल मंदिरों की संख्या 6 है, और अभी केवल एक मंदिर का निर्माण कार्य ही पूर्ण हो पाया है, और परकोटा राम मंदिर परिसर से भी कई गुना अधिक बड़ा बनाया जा रहा है, और इसमें कुल 17 लाख घनफुट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा,
और परकोटा परिक्षेत्र में बनने वाले पहले मंदिर में किस देवता की मूर्ति रखी जाएगी, इस पर ट्रस्ट को निर्णय करना है, क्योंकि यहाँ पर सप्तर्षि मंदिर के साथ साथ छह देवी देवताओं जो कि रामायण पात्रों से जुड़े हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ स्थापित होनी हैं। उम्मीद है कि हनुमान जी या माता सीता की मूर्ति परकोटा के पहले परिसर में यहाँ पर स्थापित होगी और इस पर श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक जल्द ही पुनः आयोजित की जाएगी और जिसमें मूर्तियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर बड़े पैमाने पर शटरिंग की गई है और शटरिंग के माध्यम से परकोटा के बिल्कुल किनारे दीवारों को बनाया गया और पिलर रखने के बाद इस पर बीम ढलाई की गई और बीम ढालने के बाद छत निर्माण कार्य किया गया और इस पर अब शिखर लगाने की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से की जा रही है और इसमें नागर वास्तुशिल्प का मुख्य तौर पर ध्यान दिया गया है। और यदि इसके निर्माण कार्यों को देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से पिंक स्टोन का इस्तेमाल किया गया है और इसके ठीक नीचे सुरंग भी निर्मित की जा रही है जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की अवस्था में है और अभी उत्तरी परिक्षेत्र में ऊपर छत का निर्माण कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हो सका है। उम्मीद है कि सभी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद सबसे अंत में राम मंदिर के पूर्वी परिक्षेत्र जहाँ से रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर सबसे अंत में छत ढाली जाएगी और इसके बाद परकोटा की सुरंग को पुनः आरंभ कर दिया जाएगा। और इस संदर्भ में मैं आपको आगे की वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करूँगा। राम मंदिर के परकोटा के पहले मंदिर के निर्माण कार्यों में आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर दो क्रेनों के माध्यम से परिसर में मौजूद पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जा रहा है और इसके संयोजन में जरा भी चूक ना हो इसके लिए विशेष इंजीनियरों की टीम परिसर में बुलाई गई है और इसमें मुख्य रूप से टाटा एवं L&T के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम लगाई गई है ताकि यहाँ पर मंदिरों में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना ना हो और इसके लिए परिसर में मैपिंग प्रणाली उपयोग की गई है ताकि पत्थरों को सही स्थानों पर लगाया जा सके और इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल सुंदर और परफेक्ट दिखे इसके लिए विशेष तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी निर्माण कार्यों की वजह से परिसर में काफ़ी अधिक धूल है और ठंड के आरंभ होने से निर्माण की गति भी अब थोड़ी धीमी है। राम मंदिर हेतु मूर्ति निर्माण कार्यशाला विश्व हिंदू परिषद। और देखिए यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ हैं सभी राम मंदिर में परकोटा में लगाई जाएंगी। जो परकोटा में मूर्तियाँ लगेंगी इसमें रामायण चित्रण होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये मुख्य शिल्पी हैं रंजीत मंडल। देखिए सबसे पहले यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की कितनी सुंदर यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ बनी है महर्षि वाल्मीकि की। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है जो कि इसी राम कथा कुंज में निर्मित की गई है। हनुमान जी और वाल्मीकि जी की देखिए गदा धारण किए हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं और कितनी जीवंतता से इसका निर्माण कार्य किया गया है। ये देखिए कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर इसी प्रकार की मूर्तियाँ आपको परकोटे में देखने को मिलेंगी। पूरे परकोटे में जो 800 मीटर की परिधि में बन रहा है वहाँ पर इसी प्रकार से रामायण चित्रण दीवारों के बगल में किया जाएगा। दीवारों के बगल ही इन मूर्तियों को लगाया जाएगा। ये स्थान बिल्कुल चिन्हित है। और देखिए इसी प्रकार की मूर्तियाँ देखिए ऋषि मुनि हैं। और देखिए कितने सुंदर ढंग से इसको यहाँ पर चित्रित किया गया। ये सभी रामायण प्रसंग हैं। ये प्रभु श्री राम के जन्म का समय है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सभी इनकी तीन रानियाँ थीं कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी। और तीनों रानियाँ थीं और राजा दशरथ हैं जो कि प्रभु श्री राम को यहाँ पर देखिए खिलाते हुए दिख रहे हैं। कितना सुंदर और अद्भुत चित्रण है यहाँ पर खिलाते हुए दिख रहे हैं। और ये राजा दशरथ जी को इतने यज्ञों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसको दर्शाया गया है। दूसरा प्रसंग कितना सुंदर है।
यहाँ अद्भुत आकृतियों को देखिए। श्री राम मंदिर के परकोटा परिक्षेत्र में लगने वाली भव्य मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत और दिव्यतम निर्मित की जा रही हैं और इसका निर्माण कार्य भी लगभग 60% तक पूर्ण हो चुका है और 40% मूर्तियाँ अभी निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं और जिसमें संपूर्ण रामायण को परकोटा परिक्षेत्र में लगाया जाएगा और परकोटा निर्माण कार्यों में कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा क्योंकि यह 800 मीटर की परिधि में बन रहा है और यह राम मंदिर के कुल क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना अधिक बड़ा बनाया जा रहा है। परकोटा के संपूर्ण निर्माण कार्यों की बात करें तो केवल 40% के आसपास इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है और अभी पश्चिमी भाग में परकोटा के पिलर्स को तेजी से लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक परकोटा का लगभग 50% कार्य पूर्ण हो पाएगा। मित्रों, प्रभु श्री राम के दिव्यतम मंदिर के परकोटा के उत्तरी पूर्वी परिक्षेत्र में बनने वाले पहले मंदिर के नव निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।